बड़ी खबर आ रही है बिहार पटना से, जिसमें बताया जा रहा है कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के समधी और विधायक चंद्रिका राय बाबू ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। चंद्रिका राय बाबू ने अपने दो विधायकों के साथ जेडीयू की पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि आरजेडी की पार्टी अब गरीबों की पार्टी नहीं रही है, वो केमिकल और मेडिकल माफियाओं की पार्टी बन गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने और क्या क्या कहा, इस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आज मैंने राष्ट्रीय जनता दल छोड़ करके जदयू पार्टी को मैंने ज्वाइन करने का काम किया है। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के प्रति अपनी पूरी आस्था व्यक्त करता हूँ, पूरा विश्वास व्यक्त करता हूँ। नीतीश जी के प्रति जो सम्मान हम लोगों को देना चाहिए वही मैं देना चाहता हूँ। 15 साल पहले उन्होंने जिस परिस्थिति में बिहार को पाया था, पूरा डिस्ट्रक्टेड बिहार, उसको इन्होंने कंस्ट्रक्ट करने का काम किया। चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, सड़कों की बात हो, बिजली की बात हो या समाज कल्याण की बात हो, सभी चीज़ों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने राह दिखाने का काम किया, बिहार को एक नई पहचान देने का काम किया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से देना चाहता हूँ। आज मैं 2-3 बातें सिर्फ कहना चाहता हूँ, 1-2 मिनट का समय लेना चाहता हूँ। मैंने 3-4 दिन पहले जब हमारे 2-3 विधायक राजद के यहाँ ज्वाइन कर रहे थे, उसके पहले उन लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल ने उनको तीनों को निष्कासित करने का काम किया। कारण उन्होंने बताया इन लोग एंटी पार्टी एक्टिविटी में लगे हुए थे। 1 वर्ष पूर्व मैं भी लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लड़ने का काम किया और माननीय लालू प्रसाद जी के बड़े बेटे उन्होंने ओपनली सामने खड़ा होकर के 4-5 हम लोगों के ऑफिशियल कैंडिडेट को विरोध करने का काम किया। जब समीक्षा की बैठक हो रही थी मैंने कहा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी का बेटा हो, उसको अधिकार नहीं है सब करने का और वो पार्टी से ऊपर नहीं हो सकता है, उसको कम से कम शो कॉज करके उसको कोई सजा देनी चाहिए। मगर विचित्र बात है, इन तीनों ने कुछ नहीं किया मगर इनको सजा दी। खेत खाए गधा और मार खाए ये दोनों विधायक लोग, तो गधा को ना पनिशमेंट पहले मिलना चाहिए था, तब किसी और की बात होनी चाहिए थी, मगर ऐसा अन्याय हुआ जिसको देखने के बाद इस तरह की बातें नहीं हो सकती है। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, आज राष्ट्रीय जनता दल जो पहले की तरह थी गरीबों की पार्टी, आज गरीबों की पार्टी नहीं है। आप देख रहे होंगे किस तरह से टिकट का बंटवारा हो रहा है, राज्यसभा का टिकट हो, कहीं से चले आते हैं मेडिकल कॉलेज के धनाढ़ लोग चले आते हैं और उनके लिए रेड कार्पेट वेलकम होता है, कहीं दिल्ली के व्यवसायी चले आते हैं और कितना पैसा खर्चा करने के बाद उनको रेड कार्पेट का वेलकम किया जाता है। गरीबों की वहां कोई पूछ नहीं है, जिन गरीबों ने उस पार्टी को खड़ा करने का काम किया आज वो मायूस है, देख रहे हैं किस तरह के कहीं से बम्बई से शरीफ आ जाते हैं और ऐसे लोगों को तरजीह दिया जाता है और जो पुराने कार्यकर्ता है उनको इग्नोर कर दिया जाता है। ऐसे समय में इसको गरीबों की पार्टी नहीं कही जा सकती है, आज व्यावसायिक पार्टी बनकर रह गई है, इसलिए हम लोगों ने उसको त्याग करने का काम किया है। और आने वाले समय में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि नीतीश जी के साथ हम लोग खड़े हुए हैं और जिस और विश्वास के साथ और निष्ठा के साथ खड़े रहेंगे, जिस तरह का रास्ता उन्होंने दिखाने का काम किया है, जो समाज कल्याण का काम करने का काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने का काम किया है, बिजली में काम करने का काम किया है, अपराध पर रोक लगाने का काम किया है, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का काम किया है, हम लोग उनके साथ पूरी तरह से हैं, उनका जो भी कार्यक्रम होगा पूरी निष्ठा के साथ करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।